को वही लोग जानते हैं जो एग्रीकल्चर में की कहीं ना कहीं से स्किल ट्रेनिंग लिए होते हैं, पढ़ाई किए होते हैं या जानते हैं, मतलब जिन्होंने समय दिया है। तो अगर आप समय देंगे, आप जानेंगे करीब से, तो आपको पता चलेगा कि यार बहुत से ऐसे क्रॉप हैं, कैश क्रॉप, जो आपको 1 एकड़ से 1 लाख रुपए आराम से देके जाए, एकदम आराम से। जैसे कि आजकल पर्ल फार्मिंग चल रही है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पर्ल फार्मिंग, मोती की खेती। आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस भी दे सकते हैं। पर्ल की फार्मिंग के लिए ना आपको तालाब चाहिए, ना आपको लैंड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको छोटे छोटे टैंक्स या सीमेंट के टैंक्स आप बना लीजिए, उसमें भी आप पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं। अपने बाकायदा रूम में, अपने साइड में, अपने कोर्टयार्ड में या किचन यार्ड, ये बैक यार्ड में आप रख सकते हैं। वहां से आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी फिशरी में बायोफ्लॉक आया है। बायोफ्लॉक वो है जहाँ पे आपको तालाब में जाके मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है, सीमेंट के टैंक बनाने हैं, बकायदा पानी सर्कुलेट करना है, आराम से आप टहलते रहिए, बात करते रहिए, फोन पे मछली पकड़ते रहिए, आराम से आप हाथ से मछली निकालिए, बनाइए, खाइए, मार्केटिंग करिए, जो भी करिए। तो एग्रीकल्चर में बहुत स्मार्ट टेक्निक्स आए हैं जिनके यूज से हम बहुत ही कम जमीन में, क्योंकि मैं देखिए कहना चाहूंगा कि अगर आप एक बार ठान लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए, तो आपके पास जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सक्सेस को पाने के लिए जो भी हिंड्रेंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करना ही एक विकल्प है, बाकी कोई विकल्प। अब मैं बताऊं आपको, परसों मुझे फोन आया मेरे दिव्यांग बच्चों का, बोले सर हम लोग लॉकडाउन में, मैं बोला कि लॉकडाउन में तुम लोग क्या करो, फालतू बैठे हो गए? बोले नहीं सर, हमने क्या काम किया है। मैं बोला क्या किए हो? बोले सर मशरूम का पापड़ बनाया है। मैं कहा वो कैसे? बोला सर आपने जो ड्रायर दिया था उससे हमने मशरूम को ड्राई किया है, ड्राई करके उसको अच्छे से नॉटिंग करके उसको पापड़ बनाया है, मशरूम का नूडल भी बनाया है। मैंने कहा वो कैसे? बोले सर आपके जो मित्र हैं जिनके साथ आपने मिलवाया था फूड प्रोसेसिंग में, ओयूटी में, उनके साथ उन्होंने हमें बताया, फोन पे बताया, हमने ट्राई किया और हो गया। तो आप सोचिए कि मशरूम का नूडल्स, मशरूम का पापड़, मशरूम का पाउडर। अब देखिए मैं बताऊं आपको, मशरूम का पाउडर, ये लास्ट बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप कोई भी करी खा रहे हो, मान लीजिए पोटैटो और कॉलीफ्लावर की करी खा रहे हैं आप, आपको एक्सेस न्यूट्रिशन चाहिए, या आपको पता है कि शाम को मेरी मीटिंग है, या शाम को कुछ ऐसा है कि हम खाना नहीं बना पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, तो आप मशरूम पाउडर, जो ड्राई करके पाउडर बनाया जाता है, उसको एक चम्मच आप अपने करी में डाल लीजिए, 1 स्पून। उसे जानते हैं क्या होगा, आपको पोटैटो और कॉलीफ्लावर की जो करी है वो आपको मशरूम करी जैसी जैसा टेस्ट आएगा। सेकेंड, यू विल गेट कंप्लीट न्यूट्रिशन। और थर्ड, कोई टाइम नहीं लगा। फोर्थ, मशरूम अगर आपका नहीं बिकता है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं कि नहीं नहीं बेच दो खराब हो जाएगा, आधे पौने दाम पे बेच जाएगा, नहीं, जितना बिकेगा अपने कंडीशन में बेचेंगे, नहीं बिकेगा उसको प्रोसेसिंग करेंगे, और वो प्रोसेसिंग करेंगे जो बहुत सरल प्रोसेसिंग है, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस वाला। तो हमें उस पर चीजों को समझना है कि हम करना क्या चाहते हैं, और हमें सबसे, फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि हमें करना क्या है और उसमें कैसे करना है, वो हम सीख सकते हैं, कहीं ना कहीं से हमसे सीख सकते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इसमें हैं एग्रीकल्चर लाइन, उनसे सीख सकते हैं। लेकिन क्या करना है ये आपको तय करना है, ये हमारे बताने पे मत जाइए। करना क्या है ये आप डिसाइड करिए, कैसे करना है ये मिल के डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आप देखिए बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स में आप जा सकते हैं। और एग्रीकल्चर जैसे कि आटा, अब हमारे पास एक कंप्लेन आता है कि सर ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं आटा के, वो इतना समय तक कैसे प्रिजर्व कर लेते हैं अपना आटा। मैं कहता हूँ कि ऑब्वियसली दे आर मिक्सिंग प्रिजर्वेटिव, क्योंकि 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 4 महीना, अगर 5 महीना अगर आटा रखते हैं आप, अगर वो रहता है, तो इट मीन दैट कि सम प्रिजर्वेटिव दे हैं एडेड इट। हो सकता है कि प्रिजर्वेटिव एडिबल हो, बट ये भी सही है कि प्रिजर्वेटिव स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होता ही होता है। तो क्यों ना हम छोटी छोटी आटा चक्की, जैसे कि सत्तू, मिक्स ग्रेन, जैसे कि एक बादाम, हमारा जो सिंघाड़ा आता है उसका आटा, ये सब मिला के हम एक ग्रेन बनाएं जो बहुत हाईली न्यूट्रिशियस हो। हो सकता है कि आप बॉर्मिटा को फेल कर सकें, हॉर्लिक्स को फेल कर सकें, कंपीट कर सकते हैं, यू कैन कंपीट, क्योंकि हमारे पास उनका ऑप्शन नहीं है, हम बनाना नहीं चाहते, हम इसमें आना नहीं चाहते, इसलिए कहीं ना कहीं हम लैग करते हैं। तो हमारे पास इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। एक हमारा और ग्रुप है जिसके बारे में मैं अंतिम बताना चाहूँगा। हमने मयूरभंज में एक ग्रुप को डेवलप किया जो प्रिमिटिव ट्राइब्स, जिनको लोधा ट्राइब्स बोला जाता है, वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो एकदम प्रिमिटिव हैं, आदिम जनजाति हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, माइंड से बहुत सैलो हैं। हमने उनके साथ काम किया, चैलेंज लिया कि एकदम जो सैलो है उनको भी हम पढ़ाएंगे, और वी विल कन्वर्ट देम इन एग्रीरियन कम्युनिटी। और हम छोटा सा अभी 20 एकड़ के आसपास में वहाँ मिलेट कल्टिवेशन करवा रहे हैं, रागी का।
हमने उनसे बोला है कि आप रागी कल्टीवेट करिए, मिलेट, आपको याद होगा अच्छे से कि आज से 20 साल पहले हम इसको मोटा अनाज बोलते थे, ज्वार बाजरा रागी को हम लोग अपने मजदूरों को देते थे कि आप खाओ, हम नहीं खाएंगे, हम फाइन राइस में जाएंगे, वाइट राइस, बासमती, दिस दैट। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति से आप पूछिए कि अगर आप बासमती राइस को ले लीजिए और रागी ले लीजिए, उसे पूछिए कि इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को चेक करें, कोई तुलना नहीं है। रागी के न्यूट्रिशन वैल्यू में और ये फाइन बासमती राइस के न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई भी तुलना नहीं है, डिफरेंस इज हेल एंड हेवन डिफरेंस। किंतु तब भी हम एजुकेटेड लोग बासमती की तरफ जाते हैं, तो आप उनको एजुकेटेड मानते हैं, मैं नहीं मानता। मैंने इसको पढ़ा, स्टडी किया कि हम मिलेट्स पे हमको जाना चाहिए। आज देखिए सभी लोग फिर से सेरेलैक, सेरेलैक क्या है जो बच्चों को हम फीड देते हैं, सेरेलैक व्हाट इज दैट? कुछ नहीं, आप उसको पलटिए, उसका रैपर पलटिए, उस पर देखिए क्या लिखा है, वही मिलेट्स हैं जो मिलेट्स हमने खाना छोड़ दिया। तो हमें अवसर दिखा, अपॉर्चुनिटी दिखी, एज ए एंटरप्रेनर हमने फिर से मिलेट्स को लगवाया, उनसे बोला कि आप खेती करो 20 एकड़, पूरा क्रॉप हम खरीदेंगे, और आज हम उसको खरीदते हैं, उनसे ही पाउडर बनवाते हैं, उनसे ही ड्राई करवाते हैं, उसको पैकेटिंग कराते हैं, और उसको हम बाहर मार्केट में भेजते हैं, जहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक कंज्यूमर्स हैं जो दिल्ली बाहर बाहर हमसे सामान मंगाते हैं, हम उनको देते हैं। उसके साथ साथ अभी हमने मिलेट्स का लड्डू बनाना शुरू किया है, मिलेट्स के बिस्किट बनाने शुरू किए हैं। उसका बेनिफिट्स ये है कि अगर आपको कहीं जाना है, लंच नहीं कर सकते, तो आप 2 लड्डू सुबह ब्रेकफास्ट में 2 लड्डू खाइए, 1 गिलास पानी पीजिए, यू आर फ्री अप टू 5 PM। बिकॉज उस 2 लड्डू में जितने न्यूट्रिशन आपको शरीर के लिए चाहिए, 2400 किलो कैलोरीज के आसपास ऊर्जा और बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स, वो आपको मिल चुका होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ा लिखा एक युवा, चाहे वो कॉमर्स में ग्रेजुएट हो, चाहे मैकेनिकल में ग्रेजुएट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएट हो, चाहे वो आर्ट्स में ग्रेजुएट हो, इट्स नॉट डिपेंड, कुछ भी हो, अगर वो इस आइडिया के साथ इसमें आता है तो बहुत स्कोप है। आप अब हम पर मंथ 500 पैकेट बिस्किट बनाते थे, और आज हमारे पास शिकायत आती है कि सर आपने उनको दे दिया, हमको तो दिया ही नहीं, जबकि हमको बोलते थे कि सर 200 रुपए का है, तो बोलते थे 200 छोड़िए, 220 ले लीजिए, दे दीजिए। तो हमको दिख रहा है कि हम एक शुद्ध शुद्ध चीजें बना रहे हैं, किसानों को रोजगार दे रहे हैं, समाज के लिए, देश के लिए, धरती के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम जो कंज्यूमर्स हैं उनको संतुष्ट कर रहे हैं, उनको अच्छी चीज दे रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। इससे अच्छा प्रोफेशन है क्या जिसमें आप भी खुश रहें, समाज के लिए भी काम करें, अपने धरती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काम करें, 65% लोगों के लिए काम करें, और जिसके लिए काम कर रहे हैं, जो आपका मालिक है, कंज्यूमर्स बोल लीजिए, उनको भी आप ए ग्रेड की चीज़ दे रहे हों और खुद भी पैसा बना रहे हों। तो दैट्स ऑल, ये सब चीज़ें हैं, इस पर आप अच्छे से सोचिए। युवाओं से मेरा फिर से आग्रह है, निवेदन है कि एग्रीकल्चर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, एग्रीकल्चर की फिजिबिलिटी को लिमिटेड मत करिए। इनॉर्मस स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसमें सोलर का जितना भी इक्विपमेंट आ रहा है, सबके सोलर सेंसर बना लीजिए, सोलर ड्रायर बना लीजिए, सोलर व्हीकल बना लीजिए, जिसपे कि ई कार्ट जिसको बोलते हैं, वेजी कार्ट, जिसपे हम सब्जी रख के बेच सकते हैं, सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छा स्कोप है। और ये सब चीज़ों के साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पहले डिसाइड करिए क्या करना है, कैसे करना है। हमने दिव्यांगों के साथ काम किया, हमने ट्राइबल्स के साथ काम किया, हमने फार्मर्स ग्रुप के साथ काम किया, पर हमारे पास आज जितने प्रोडक्ट्स हैं वो हमें बस बोलना पड़ता है कि हमारा आज 5 पैकेट, 10 पैकेट, 20 पैकेट बिस्किट रेडी हो गया है, और 1 घंटे के अंदर हम व्हाट्सएप पे ही वो भेज देते। तो मुझे नहीं लगता कैसे जो प्रोफेशन है इसमें अच्छा। सबसे लास्ट में अभी देखिए जो आ रहा है एग्री टूरिज्म, मेरे काफ़ी मित्र हैं जो हम लोग बात करते हैं कि कल हम अपने फार्म हाउस को, जो हमारा फार्म है उसमें छोटे छोटे हट्स बनाएंगे, जो बाकायदा मिट्टी का घर होगा, ऊपर से स्ट्रॉ फूस का छत होगा, उसमें सभी चीज़ें होंगी, व्यवस्थाएं होंगी। तो जो लोग बेचारे बहुत मेहनत करके, हमारे दोस्त IIT से पढ़े हैं और विदेश उदेश में हैं, बेचारे बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उनसे हमने कहा कि आप बहुत पैसा कमाए, बहुत स्ट्रेस लिए, कभी 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हमारे वो एग्री टूरिज्म का जो हमारा सेंटर है, जहाँ पे हमारे हट्स बने हैं, वहाँ फिशिंग की भी अरेंजमेंट है, बोटिंग का अरेंजमेंट भी हम करने जा रहे हैं, करेंगे सब चीज़ें, ये सब चीज़ें पाइपलाइन में हैं। तो आप फ्री हो जाओगे, एनर्जी स्टोर कर लो, फिर जाके वहाँ काम करना। तो उन्हें लगता है कि यार मजाक उड़ा रहे हो या हमें आराम देना चाहते हो। तब बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने वो रास्ता चुना बहुत अच्छा है, हमने ये रास्ता चुना हमारा भी अच्छा है, आप
एक अच्छा पैसा बना रहे हो, अपने शरीर के लिए भी यूज को इस्तेमाल करो, तो उसमें शरीर के लिए जब स्वास्थ्य के लिए आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें हमारा भी एक पैटर्न है, हमारा भी एक स्कीम है, उसका भी आनंद लीजिए, जिससे एग्रीकल्चर फिर से ग्रो कर सके और मिला जुला के एग्री टूरिज्म भी आने वाले समय में बहुत बड़ा रिवेन्यू का सोर्स है। जैसा कि आप गवर्नमेंट का भी फोकस देख रहे हैं कि बहुत जगह टूरिज्म पे डेवलप किया, टूरिज्म पे फोकस किया जा रहा है। अगर आज हम आपसे कहें कि आप अपने बच्चे को जो कैलिफोर्निया में है या ब्राजील में है, कहीं भी है, उसको एग्रीकल्चर नहीं पता, उसको अपना रूट्स नहीं पता, तो आप चाहेंगे कि अगर मेरा बच्चा कहीं, हम लोग ऐसे जगह जाके रहें जहाँ पे 10 दिन 5 दिन अच्छे से देखें हमारी जिंदगी गाँव की क्या होती है। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इसको प्रोवाइड कराते हैं और वो अच्छा पैसा चार्ज कर रहे हैं और वो पैसा उनको देने में भी कोई तकलीफ नहीं। तो ये सब सेक्टर्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं और बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए और मेरी बात इतना पेशेंस रख के सुनने के लिए।